देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है, या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है, और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। विपक्ष को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है इसमें। ये सारा जो कुछ भी परिस्थितियां बनी, ये विपक्ष के कारण ही परिस्थितियां बनी। चुनाव तो हो ही रहे थे, 27% आरक्षण के साथ हो रहे थे, लोगों ने नामांकन जमा कर दिया था। कांग्रेस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, और कांग्रेस की याचिका पर, उनकी रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन स्टे किया, तो इसके लिए दोषी पूरी तरह से कांग्रेस है, नहीं तो आज से 2 साल पहले इलेक्शन हो जाते। और हम लोग तो चाहते थे कि समय पर चुनाव हो, 19 में चुनाव होना थे, कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 19 में चुनाव क्यों नहीं कराए? तो 19 में पंचायतों के तोड़फोड़ में लगे रहे, इस सब में लगे रहे और समय पर चुनाव नहीं कराए। और हमारी सरकार आने के बाद कोरोना के होते हुए भी हम लोगों ने सारी प्रक्रिया की, और सारी प्रक्रिया करके समय पर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी सरकार ने, जो सरकार का काम था परिसीमन से लेके आरक्षण से लेके सारा करके हम लोगों ने भेज दिया था। नगरीय निकाय का भी भेज दिया था, पंचायतों का भी भेज दिया था, उसी आधार पर आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी थी। तो अगर कांग्रेस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती तो चुनाव उसी समय हो जाते।